जबकि तुम मेरी मॉम यानी कि अपनी सास से सबसे ज्यादा नफरत करते हो। क्या कह रहे हो तुम? मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें मेरी मॉम यानी कि तुम्हारी सास फूटी आंख नहीं पाती। You just can't stand her and I know it. जी नहीं, बल्कि तुम्हारी मम्मी को मैं फूटी आंख नहीं भाती हूँ। जब देखो तब मुझे उल्टे सीधे ताने देती रहती हैं। अब बस 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 शांत हो जाइए। बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं? यार अच्छा वाला टॉपिक चल रहा था, ये भभूति जी ने बीच में टांग घुसेड़ दी। अब हम कुछ कहे? अगर भाभी जी आपकी मम्मी से चिढ़ती है ना, तो इसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह रही होगी। कौन सी वजह? अरे आपकी मम्मी है छिपकली टाइप की। आपने मेरी मम्मी को छिपकली कहा? आपकी मोटल्लो अम्मा जो है ना, वो अजगर है अजगर। भभूति जी। ओके भाभी जी, आई एम सॉरी। एनाकोंडा, इज दैट ऑल राइट? ठीक बा। एनाकोंडा है क्या? ठीक बा। ठीक बा, और ज्यादा बकवास मत कीजिए, समझे? हमारी अम्मा आपकी मम्मी की तरह अपनी बहू को टॉर्चर नहीं करती, बल्कि हमारी अम्मा अपनी बहू यानी कि अंगूरी से इतना प्यार करती है कि दुनिया की कोई भी सास अपनी बहू से इतना प्यार नहीं करती होगी। सास बहू के रिश्तों की एक मधुर मिसाल है हमारी अम्मा और अंगूरी का रिश्ता, समझे? मिल गया, मुझे आइडिया मिल गया, बहुत बढ़िया आइडिया मिल गया। का मिल गया? अंगूरी जी, मैं ना ऐसा सोच रही हूँ कि मैं आपकी और अम्मा जी के ऊपर एक बहुत बढ़िया सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाऊंगी, और वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैं ऐसी हर सास और बहू को दिखाऊंगी जिनके रिश्ते में प्रॉब्लम है, और वो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म से इंस्पायर होके अपने रिश्ते को सुधार लेंगे। आपका इडियट तो बहुत ही अच्छा है। भाभी जी, इडियट तो वो है, ये आइडिया सही पकड़े हैं। अरे अंगूर जी, आप ना एक काम कीजिए, अम्मा जी को 7 दिन के लिए यहाँ बुला लीजिए। ठीक बा, बुला लेते हैं। का है? अचानक से का हो गया? का है ना अम्मा, हमको बचपन की याद आ गई, वो जब तुम हमें लोरी सुनाकर सुलाया करती थी ना। तो पगला गया है का? हम तुमको कब लोरी सुना के सुलाए हैं रे? तू तो लोरी सुन के सोने वाला पार्टी है ये नहीं। हम तो तुमको जब भी सुलाते थे तो थपड़िया के सुलाते थे। अब बता का बात है? हाँ, फिर से तुमको थपड़ियाना है तो आ जाते हैं, तुम्हारा सारा अरमान पूरा कर देते हैं, बता। अरे नहीं नहीं अम्मा, आने की क्या जरूरत है, काहे यहाँ कर परेशान होंगी। सुनिए अम्मा जी, आप ना आ जाइए। हाँ, ना ऊपर ही ऊपर बहुत डर रहे हैं, अंदर से तो आपको बहुत याद कर रहे हैं और बुला रहे हैं। और ना एक ठो बात और है, वो अनीता जी है ना, वो आपको और हमको लेकर ना एक ठो डाकू मंत्री फिल्म बना रही हैं। वो डाकू मंत्री नहीं, डॉक्यूमेंट्री होता है पगली। सही पकड़े हैं। क्या बात कर रही है बहुरिया है? गोरी बिटिया एक ठो फिल्म बनाना चाहती है हमको तुमको लेके, है? गोरी बिटिया को बोलना कि हम आ रहे हैं, है? ऋतिक से बात कर लेने के लिए कहना। आपका ऋतिक की हीरोइन बनेंगी? धत, हम की अम्मा बनेंगे, समझी? गोरी बिटिया को बोल हम आ रहे हैं। ठीक बा अम्मा जी, आ जाइए। लड्डू के भैया बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं। आ जाइए, प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, खुश रहो। हीरो तो हमरा एक ठो है। अरे लोटा कहाँ गया? सॉरी। एक्चुअली मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है तिवारी, प्रॉब्लम आपकी है इनफैक्ट, क्योंकि आपकी अम्मा जब यहाँ पर आएंगी तो आपको ब्रेकफास्ट में लाल जूते पड़ेंगे, लंच में लाल जूते पड़ेंगे, और शाम के नाश्ते में लाल जूते पड़ेंगे, और रात के खाने में भी। ए चुप। तो तिवारी जी सोचिए, अगर 1 वीक यहाँ रह गई वो तो आपकी क्या हालत होगी? हाँ भाभी जी से भी तो हमारी दूरियाँ बढ़ जाएंगी। मतलब आपकी भाभी जी से? अम्मा आ गई तो हमेशा अंगूरी उसी के साथ रहेगी, अम्मा के साथ हमेशा चिपटी रहेगी। ये तो हमारी प्रॉब्लम है। आपकी क्या प्रॉब्लम है तिवारी जी? देखिए, आप भाभी जी को समझाने की कोशिश कीजिए अकेले में, और मैं अनु को समझाने की कोशिश करूँगा अकेले।
ठीक है, हम अंगूरी को समझाने की कोशिश करते हैं, शायद वो मान जाए अकेले में। चलिए फिलहाल तो हम चलते हैं अकेले में। भैया विभूति भैया, आपसे कुछ बात करनी थी अकेले में। कहा भैया कि मकान को किराया चुकाना है, 3000 रुपया दे लो। ठीक भैया, भाड़ में जाओ अकेले में। कारे, हम अपने बैल को पीटते हैं तो तुम्हारे गुर्दों में बहुत दर्द होता है, हैं? बहुत दिनों से तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रहे हैं, जब देखो तब हमारी बहुरिया को पकाने आ जाते हो, हैं? और तो और हमरे खिलाफ भड़का भी रहे हो को। आज के बाद यहाँ आस पास भी नजर मत आना, समझे? चलो जाओ यहाँ से। आंटी जी प्रणाम। खुश रहो। अगोरी बिटिया कैसी है? She's fine, she's good, आंटी जी. She's fine. कभी आइए चाय वाय पे हमारे घर पे। हाँ हाँ जरूर आएंगे। All right, आंटी, have a most pathetic day. Thank you. मुटल लो। क्या बोला रे? मैंने कहा पर चल लो यार आंटी, उतार के चल लो, निकल लो। ओके मुटल लो। प्रभुति जी डब्बा। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। भाभी जी आप गाना गलत गा रही हैं, बल्कि आपको गाना चाहिए मोटरलो सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। नहीं नहीं, लेकिन ये गाने में तो बापू ही है। लेकिन यहाँ तो मोटरलो है। क्या बोले? बल्कि भाभी जी आपके दीदार को तरस गए हैं, मिलने का मौका ही नहीं मिल पा रहा है आपसे, ये क्या बात है? तो ये आप हमसे ना ही मिल रहे हैं तो फिर किससे मिल रहे हैं? अब भाभी ये भी कोई मिलने ही मिलना है क्या? हाँ तो फिर कैसे मिलना चाहते हैं आप? भाभी जी मैं हूँ, आप हो, तन्हाई हो, तीसरा कोई ना हो, हम प्यार की मतलब ढेर सारी बातें करें, अफेयर की मतलब करंट अफेयर्स की बातें करें और कुछ आदान प्रदान करें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें भाभी जी, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अरे गहुरिया कौन परेशान कर रहा है तुमको, है? Hello, Auntie Ji. What a pleasant surprise. You know, your persona goes with the kitchen. You look gorgeous. अरे तुम्हारा गॉडजिला गया गुइया के खेत में। अरे नल्ले, तुम में जरा भी शर्म है या बचा है कि सब बेच खाए हो? Auntie Ji, you're so sullen. I mean, so sweet. मतलब। तो काहे हमारी बहुरिया को पकाता रहता है, हाँ? No, आंटी जी मैं नहीं पका रहा हूँ, बल्कि भाभी जी पका रही हैं, वो भी खाना। चुप, अपना मुंह बंद रख, ये तो तुम्हारे मुंह में छाता घुसेड़ के खोल देंगे, समझा? छातों का शौक रखती हैं। जब देखो तब हमारी बहुरिया को पकाने आ जाता है, ना कहीं का ना खुद काम करता है ना दूसरों को काम करने देता है। चल पुटिया से। ओके आंटी जी, हैव अ मोस्ट पैथेटिक डे। तुम यहाँ टाइम पास कर रहे हो? कितने सारे गंदे बर्तन पड़े हुए किचन में, जाओ जाकर साफ करो। अरे गोरी बिटिया तुम एक काम का ही नहीं करती हो, इन नल्ले को ना एक बड़ा सा जंजीर में बांधो ही किचन में, जब देखो तक सबको परेशान करता रहता है। अम्मा जी जाने दीजिए ना विभू को, हाँ छोड़िए ना, चलो ना विभू चलो ना। All right ladies, happy cooking to all of you. Bye bye. अम्मा जी हम ना अभी किचन का पोर्शन शूट करते हैं। सक्सेना जी जरा शॉट बनाइए, टू शॉट बनाइए। हाँ ठीक बा, लेकिन अनीता जी करना का है? करना कुछ नहीं है, वही करना है जो आप किचन में करते हो, आप खाना बना रहे हो और अम्मा जी आपको खाना बनाना सिखा रही हैं।
असल में मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि कैसे एक संस्कारी बहू एक संस्कारी सास से खाना बनाना सीखती है, वो भी कितने प्यार से, और ऐसी सासें सच में होती हैं। मैं सबको दिखाना चाहती हूँ, तो आप ऐसा ऐसा एक्शन करके दिखाइए। हाँ, अच्छी लग रही हैं। चलिए, रोलिंग एक्शन। आई लाइक इट। लव यू अम्मा जी। लव यू टू। अनु, कट 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 कीजिए, कट कीजिए, कट कीजिए। वो अब इसे क्या हो गया? अनु, घर आ जाओ यार, अब पूरी फिल्म आज ही बनाओगी क्या? आहा, इतना अच्छा सीन चल रहा था, ये पता नहीं कहाँ है, ये नल्ला कहाँ से बीच में अपना टांग घुसेड़ देता है। ए गोरी बिटिया, ए भगाओ ना इसको। विभो, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? तुम्हें पता है ना मैं यहाँ शूटिंग कर रही हूँ, जाओ जाके सो जाओ। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही है। ए नल्ले, का चिचिया रहा है, है? तू का छोटा दूध पीता बच्चा है जो अकेले माँ नींद नहीं आ रही है, अभी आ करके दूध की बोतल का निप्पल घुसेड़े तुम्हारे मुंह में। जेना बहुत पहुंचे हुए बाबा जी है। हाँ, जेना चेहरों देख के अगलो पिछलो भविष्य सब कुछ बता देते हैं। क्या बात कर रहे हैं, बैठिए बैठिए बाबा जी, बैठिए। अब बाबा जी वहां से ना यहाँ पे आ जाओ। प्रणाम बाबा जी। हमारा चेहरा देख कर लड्डू के भैया के बारे में कुछ बताइए। ओए 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 ओ वा। ये क्या कर रहे हैं? ए भाभी जी, अब बाबा जी ना ध्यान में जा रहे हैं। हाँ दिया, ठीक बा। तो बहुत ही सीधी औरत है, तेरे पति को कच्छो बनियान को धंधो है, वो बहुत ही कंजूस आदमी है, मक्खी चूस आदमी है, तेरो पड़ोसी एकदम नल्लो आदमी है, और तेरी सासू तुझे बहुत प्यार करती है, तू अपने सासू की लाडली है। अरे का हुआ बहुरिया? ये बहुरुपिया कौन है? जी, ये बहुरुपिया नहीं है, इन्हें बहुत ही पहुंचे हुए बाबा जी हैं। हमने तेरा देख कर ना लड्डू के भैया के बारे में सब कुछ सच सच बता दिए। अच्छा, तो तनी हमरे बारे में बताइए। ओए 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 ओवा। ध्यान में जा रहे हैं। तू बहुत ही निडर औरत है। हाँ। तेरे अंदर 10 शेरनियों की ताकत है। ये बात तो सच है। तेरो पति तुझसे डरकर भागो। हाँ, ये बात भी सच है। अब ये सब छोड़िए ना, आप तनी ये बताइए कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है? ओए 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 ओए। तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन तिनक दिन, अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, यहां से दूर चली जा। ये गांव छोड़कर चली जा, अपने गांव में चली जा, तेरे लिए ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर तू यहां पर थोड़ी देर और ठहरी तो तेरी टैब बोल जाएगी। पता नहीं कब आएंगे ये लौंडे और क्या क्या रायता फैला रहे होंगे। हमें तो डर है कहीं उनकी बदतमीजियों की वजह से अम्मा को उन पर शक ना हो गया हो। शुभ शुभ बोले तिवारी जी, आप भी बस ना, अभी मुंह खोलते कुछ बुरा ही बोलते हैं। अरे दादा, क्या हो गया मुझे यार? अरे अप्पू सिंह जी, कौन पीट गया आपको?
हमें कौन सूते गो, हम तो घर ही में पिट गए यार। अरे आप तो है इस लायक। क्या बोली? हमने कहा आप है इस लायक। यार भैया तिवारी और भैया विभूति, यार कौन ऐसो उपाय बताओ जा में हमारी अम्मा निकल ली लंबी। ना यार कैसी बातें कर रहे यार, निकलने को मतलब हमारे घर से गांव निकल ले, गांव चली जाए बस। एक उपाय है मेरे पास। का बताओ यार, का है? अपने आप को गोली मार लीजिए। क्या बकवास कर रही हो, गोली मार लो सबसे फालतू में। अरे यार हमारी खुद की बैंड बजी पड़ी है हप्पू सिंह जी, या हम भी जुगाड़ में कि किसी तरह से हमारी अम्मा जो है हमारे घर से निकल ले। तो भैया तिवारी वही वालो उपाय हमें बता दो, हो सकता है जोन तुम उपाय अपनी अम्मा को टरकाने के लाने कर रहे हो वही हमें उपाय बताओ, हमारी अम्मा भी टरक जाए। बता दे यार। वो उपाय जो है हमने आजमाया है, रिजल्ट आने वाला है। हाँ। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया आपको बता देंगे। सर सिंपल इज दैट। ठीक है ठीक है। ओह उपाय आ गए। मेरे बेटो क्या रिजल्ट निकला बेटे? आय हाय, ओहो क्या चल रहा है, काम गलत कर रहे हैं और आपकी अम्मा की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अरे यार क्यों झूठ बोल रहे हैं? आप हमारी अम्मा के नाम कसीदे पढ़ रहे हैं? आप, आपकी अम्मा में तारीफ के लायक है ही क्या? जोर से मारा थप्पड़ मेरे गाल पे, पूरा गाल सुन पड़ा हुआ भाई गॉड, कोई मोमेंट ही नहीं है उसमें। अरे आपका तो सिर्फ गाल सुन पड़ा है, यहाँ तो पूरा बदन सुन पड़ा है। बताइए उन कमबख्त लौंडों की बेवकूफियों की वजह से हमारी बैंड बज गई। चलिए बनाइए कुछ हमारे लिए भी। क्या कर रहे हैं? आ गए मुफ्त खोरे, ये लीजिए। आ लाइए, कभी खुद भी ले आया करिए। अरे फिलहाल डालिए तो सही। आहा बस बस, आहा। चलिए अब बताइए कि आप हमारे घर क्यों गए थे? भाभी जी को देखने। आपकी भाभी जी? मैं घर आया तो घर लॉक था, तो मैंने कहा शायद अनु आपके घर बैठी हुई है, तो वहां गया तो अनु वहां पर भी नहीं थी, लेकिन वहां पर क्या देखता हूँ कि आपकी जो अम्मा है वो अजगर की तरह कुंडली मारे बैठी हैं। ये आप क्या कह रहे हैं है? माना कि हमारी अम्मा अजगर मतलब थोड़ी खतरनाक टाइप की है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप कुछ भी बके चले जाएंगे। हमारी अम्मा को अजगर नहीं कहिए, समझे? मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, माफी चाहता हूँ, and I'm sorry। कोई बात नहीं, चलिए। कहाँ अम्मा जी, कहाँ चल रहा है? बिटिया हम ना अंग्रेजी फिल्म देख रहे हैं, देखो बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक बा। आंटी जी नमस्ते। प्रणाम अम्मा। बैल और नल्ले तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मा हम अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हैं। आंटी जी I'm sorry, और मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ। तुम दोनों को ना अपने पैदा होने पे भी शर्मिंदा होना चाहिए। अम्मा जी ये दोनों बहुत उल्टी फीलवा कर रहे हैं। का? ये छी 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 छी। देखो यहाँ उल्टी नहीं करना, उल्टी आ रहा था बाहर जाके करो, जाओ फुटो यहाँ से जाओ। भाभी इट्स नॉट उल्टी इट्स गिल्टी। सही पकड़े हैं। देखिए ना अम्मा जी बहुत दुखी हैं दोनों, बहुत दुखी हैं। माफ कर दीजिए ना प्लीज।
ठीक है, देखो बहुरिया, तुम कह रही हो तो माफ कर दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों से बता दो हाँ कि आइंदा हमारे साथ अगर ऐसी हरकत की तो हम दोनों को बहुत कूटेंगे। का सुने कि ना ही दोनों का बोली अम्मा जी। यस, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी आंटी जी। हाँ अब ऐसी गलती नहीं होगी। हाँ ठीक है तो चलो जाओ निकलो यहाँ से, हम सनीमा देख रहे हैं, हमको डिस्टर्ब नहीं करो, जाओ फुटो यहाँ से जाओ। अबे काम धाम कर चुकी यानी अम्मा से पिटवा दिया सोलक। पैसे निकाल, पैसे निकाल। ये वजह ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। पैसे दे दे वे बेटे, नहीं तो तेरा मुंह नोच लूंगा। भैया आपके कोई पैसे नहीं है हमारे पास में। पैसे नहीं देगा बेटे तो हलक में हाथ डाल के निकाल दूंगा, गुर्दे और फेफड़ों समेत। अच्छा भैया निकाल सको तो निकाल लो। भैया जी बात ऐसी आ रही, अगर आपको पैसे निकालने हैं ना तो एक काम करो, हमारे मकान मालिक के हलक में से हाथ देकर निकाल लो, क्योंकि तुमने जो हमें पैसे दिए थे ना वाको हमने भाड़ा दे दो। बेटे हमें तो हमारे पैसे चाहिए, कहीं से भी लाके दे बस। Look at the boys. आपको लगता है पैसे लाके देंगे? बैठ, चिपक क्यों रहा है? तिवारी जी गंदे नाले कितना है, इनमें आप कितने पैसे डालिए वो कचरे के साथ बह जाएंगे। तो हम करें क्या भभूति जी, क्या करें? तिवारी जी आपका पुराना जो अकाउंट है उसे एडजस्ट करने का एक तरीका है मेरे पास। क्या? Well, अगर आप इजाजत दें और ये लौंडे करें तो आपको पता है अम्मा तो डरती हैं गुरिल्ला से। तो अगर ये दोनों बॉयज गुरिल्ला बन के जाएं, उनको डराएं और भगा दें तो जो पुराना अमाउंट है आपका एडजस्टमेंट हो जाएगी ना, उसकी बात खत्म। अम्मा जी केले ले आई का? हाँ ले आए हैं। हम का बोल रहे हैं कि ये गोरिल्ला को केला हम अपने हाथ से खिलाएं का? भाभी जी इट्स नॉट गोरिल्ला, इट्स गोरिल्ला, गोरिल्ला। सही पकड़े हैं। खिलाएं का? ये ला बिटिया, ये पकड़ो। ए यार ये पकड़ो बे। अरे छान यार ये गोरिल्ला कहाँ से आम रहे, आगे जाए कि ना जाए, इतनी ठीक है। ओ भैया तिवारी, अरे यार सुनो, ये सारे लौंडा देखेगा टीका और मलकान कहाँ मर गए? क्यों क्या हुआ? अरे क्या होगा, भुइया होगा, तो चल अपने घर में तार उड़ार के जाने कहाँ मर गए यार। हम सोने के लाने तरस गए, हमने कई थी सारे दरवाजे खोल के रख लू, हमें आए हम सोए होते। पता नहीं कहाँ आवारा गर्दी कर रहे होंगे, who knows यार। बिल्कुल सही कही तुमने यार, एक नंबर के मोहल्ला के लीचड़ लौंडा है सतत, मेरी घंटी कहीं की जाने कहाँ मर गई। अजय शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, केले खिलाएंगे अभी। अरे अरे भैया, अरे यार हम तो लौंडन को बक रहे हैं, तुम काहे बुरो मान रहे, इनके फालतू में गुर्दा चल रहे हैं यार गोरेलन के। शायद उनके रिश्तेदार है। मर गए रे भैया मोरे। शांत हो जा। लौंडे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हो? आराम से, आराम से। भैया जी अभी थोड़ी देर पहले जाकर खेल हो गो। क्या खेल हो गो? अम्मा ने पहचान लिया क्या? अम्मा पहचान ली थी ना तो कोई बात ना थी। अबे खुल के बता बात क्या है। भैया जी अम्मा जी ने हम दोनों को बांध कर ना लोन में छोड़ दो, और ऊपर से जा टीका ने फीमेल गोरिल्ला की ड्रेस पहन रखी। फिर का भैया हम तो गहरी नींद में सो रहे, बस जंगल से सूंघ तो वो एक मेल गोरिल्ला आ गो। फिर ये आपने फिर क्या लगा रखी? फिर लौंडे की हालत देख के मालूम पड़ रहा है ना आपको, इस गोरिल्ला ने क्या हालत की है, इसकी बैंड बजा दी है, इसकी क्या रगड़ा है इसको, इसकी भूसी छुड़ा दी है। Can't you see? तोते उड़ गए इस आदमी के। अब बात कर रहे हैं पैर पैर पैर। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ भैया, ये घटिया आइडिया आपने दिया तो हमको। देखो भाई जो होना होता है वो होके रहता है, अब आगे तुम्हारी किस्मत। भाई वो गोरिल्ला सूंघता हुआ तुम्हें यहाँ तक आ गया
और तुम्हारा उसने बैंड बजा दिया, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ भाई? इस मोहल्ले में आज तक ना तो गोरिल्ला और ना गोरिल्ला की जात कोई भी नहीं आया, इट्स योर बैड लक, राइट? इट्स योर बैड लक। तो कहा वो ससुर गोरिल्ले को, आराम से बोल साले मेरे भाई को। तो कहा वो ससुर गोरिल्ले को मैं मिले होता होगा? जंगल में इतनी सारी गोरिल्लियां घूम रही थी, बाको पकड़ लेता हूं, मैं काहे पकड़ लूं सारा। देख बेटा, वो कहावत है ना कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, तो समझ लो भटकता हुआ आया और दाना चुग गया और क्या। अरे कौन है? ये बहुत समझदार जानवर है, हैं? थैंक यू। क्या है? डियर रामकली, जब से तुम गई हो हमारी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। पंडित रामफल भी ना बहुत शरारती है, न रातों को नींद है न दिन को चैन है, बस हर घड़ी तुम्हारा ही ख्यालों में खोए रहता हूँ। हाँ, मेरी तबीयत खराब है, तुम जल्दी से आ जाओ। हे भगवान, पंडित रामफल का तबीयत खराब है, हमको जाना होगा। बहुरिया, ए बहुरिया। अरे अरे अम्मा जी, कहो। बिटिया, हमको घर जाना है। अरे इतना जल्दी का है? अरे किसका चिट्ठी है? अब ये कुछ नहीं है, तुम एक काम करो, वो ऊपर कमरा से हमारा बैग लेके आ जाओ, हमको घर जाना पड़ेगा। बिटिया, हमको हमारा प्यार प्यारा प्यारा घर बुला रहा है। ठीक बा अम्मा जी, लाते हैं, लेकिन कहाँ जा रही है? हमको कितना याद आएगा आपको, हमारा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। प्रणाम अम्मा। आंटी जी नमस्कार। प्रणाम आंटी जी, यू आर लुकिंग हॉरिबली स्टनिंग एंड आई वांट टू सी यू रनिंग। थैंक यू। ठीक है ठीक है। क्या बात अम्मा, कुछ परेशान सी लग रही हैं। हाँ, वो हमको गांव जाना है। आंटी जी, एनीथिंग सीरियस? कोई मर गया है क्या? हाँ, अरे नहीं नहीं, कुछ सीरियस नहीं है, बस हमको गाँव का याद आ रहा है तो हमको गाँव जाना है। हमें पता है किसको याद आ रहा है। अम्मा, अभी अभी तो आई हूँ, अभी अभी जाना है? नहीं नहीं, हमको जाना ही पड़ेगा। ना अभी ना जाओ, छोड़ करके दिल अभी भरा नहीं। हाँ जाना है, बोल रहे हैं ना जाना है। ना जाओ मैया, छुड़ा के भैया।